हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ मेरा एक फ्रेंड है, ये इसका नाम है श्याम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे इसने ही बताया है कि होममेड लाइटिंग सेटअप कैसे बना सकते हो कम खर्चे में। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आप नए यूट्यूब पर आते हो तो आपका जो है उतना बजट नहीं होता है कि आप लाइटिंग सेटअप खरीद सकते हो। क्योंकि आप यही लाइटिंग सेटअप आप देखोगे अमेजोन पे तो आपको लगभग जो है कम से कम आपको 3,000 लग जाएगा दो का, और आपको दो ये बना कर दिखाएगा, ओनली आपका 500 खर्चा इसमें जो है लग सकता है। तो ये है श्याम, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसके चैनल को विजिट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बताओ अपने बारे में कुछ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्याम और मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल ड्यूड के नाम से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एक चीप रेट पर बेस्ट क्वालिटी का लाइटिंग सेटअप बना सकते हैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए। फ्रेंड्स, जिस लाइटिंग सेटअप के बारे में बता रहा हूं उसको आप बनाने के लिए 500 रुपये ओनली आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और इस बात का दावा करता हूं कि जो आपको 5,000 रुपये में भी जो लाइटिंग सेटअप आती है उससे भी आपकी जो क्वालिटी होगी कॉन्टेंट की वो बनेगी आपके बहुत ही बेहतर। तो आप वीडियो को इन तक देखते रहे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको गैजेट्स लेने हैं और कौन कौन से आपको टूल्स लेने हैं इस लाइटिंग सेटअप को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है फोटोग्राफी शॉप में, और वहां पर आपको जाकर ले लेने हैं इस टाइप के व्हाइट कलर के दो अम्ब्रेला, जो एक एक यूनिट आपको आ जाते हैं 150 रुपये में। मैंने 300 रुपये में दो अम्ब्रेला खरीदा है, और ये आप देख सकते हो ये इस टाइप के आपको दिखेंगे। तो इस टाइप का दो आपको अम्ब्रेला ले लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ग्रिल शॉप में जाना है, और जाने के बाद इस टाइप के दो आपको 1 फीट लेंथ का 3 रॉड ले लेने हैं, जिसके एक साइड में आपके होल्स किए हुए रहेंगे, एक साइड के एंड्स में। और उसके बाद आपको जो अगर आपके घर में भी है रिजेक्ट फैन का स्टैंड तो भी चलेगा, और अगर नहीं तो आप मार्केट में इसको खरीद सकते हो। ये हार्डली आपको 150 से 200 रुपए के अंदर में आ जाएंगे। और एक जो आपके रॉड होंगे वो लगे होंगे इसके मिडिल में, और ये मिडिल में आपके यहां से नट से ये कनेक्ट किए हुए रहेंगे। इस टाइप से मैंने इसको नट से फिट किया है, और दोनों साइड में इसके भी एंड में आपके होल्स किए हुए रहेंगे और ये मुड़े हुए रहेंगे। देन फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जो दोनों रिमेनिंग रॉड रहेंगे उसको आपको दोनों के एंड में जो होल्स किए हुए थे उसके हेल्प लेकर मिडिल वाले रॉड में आपको दोनों को फिट करना है, और यहां दोनों रॉड में आपको अम्ब्रेला का आपको फिट कर देना है, ताकि ये क्या होगा कि आप इसको 180 डिग्री के एंगल में दोनों को रोटेट करवा सकते हो आपके फेस के अकॉर्डिंगली, जैसे आपके फेस में कोई डार्कनेस कोई स्पॉट न बने। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का दोनों दो होल्डर ले लेने हैं, और यहां पर आपको इस टाइप से दो एलईडी बल्ब ले लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर लाइटिंग सेटअप का कैसा बनेगा और बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने प्रिपेयर करा है एक इस टाइप का लाइटिंग सेटअप। लेफ्ट साइड का रॉड में इस अम्ब्रेला को मैंने फिट करा है, और राइट साइड का रॉड में ये इस अम्ब्रेला को फिट करा है, और यहां पर एक बल्ब होल्डर के हेल्प लेकर और मैंने एलईडी बल्ब को राइट साइड में भी एक एलईडी बल्ब को कनेक्शन किया है, और यहां पर मैंने कनेक्शन करा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इससे एक रॉड यहां पर एक वायर का मैंने पॉइंट निकाला है मेन सोर्स के लिए। यहां पर जब एलईडी बल्ब का लाइट जाएंगी यहां पर अम्ब्रेला में, और अम्ब्रेला से रिफ्लेक्शन आएगी फेस पर, तो वीडियो की क्वालिटी बनेगी बिंदास। तो यहां पर मैंने ये ढांचा ही तैयार करके रखा है, या वर्क भी करती है ये लाइटिंग सेटअप। तो चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि नॉर्मल लाइट में मेरी फेस पर कितना डार्कनेस और स्पॉट दिख रही है। एक बार मैं आपको स्विच को ऑन करके दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो कि अब फेस पर कितना ज्यादा क्लैरिटी है। एक बार फिर से स्विच को ऑफ करता हूं, अब तो आपको वेरिएशन समझ में आ ही रहा होगा, और इसका फीचर जो लाइटिंग सेटअप मैंने बनाया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक्स टू वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन यार।